बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन वाले सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिकुसल्लम। प्यारे नाजरीन, सलाम अलैकुम। उम्मीद कि आप लोग खैरियत आफियत से होंगे, सेहत व सलामती से होंगे, तंदुरुस्ती होंगे, अमन सुकून चैन राहत में होंगे, हंसी खुशी होंगे, आपके घर में खैर व बरकत होंगी, खुशहाल होंगे आप लोग। मेरी यही दुआ है, उम्मीद है करती हूँ आप लोगों से, आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी आप लोगों को लग रही है। मैं हर नमाज में दुआ कर रही हूँ आप लोग अच्छे रहना, खुशहाल रहना, खैर आफियत से रहना, सेहत सलामती से रहना, बल्कि दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुबह। आज इन हालतों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है। दुआ करने वाला मस्कूरा जिल हालतों में दुआ करे तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। नमाज की अजा होने के वक्त यानी अजा सुनने, अजा का जवाब देने और अजा की दुआ पढ़ने के बाद दुआ करें। अजा और तकबीर के दरमियान यानी अजा व अकामत के दरमियान जहाँ भी मौका मिल जाए दुआ करें। अजा और तकबीर के दरमियान जो शख्स किसी मुसीबत या सख्ती में गिरफ्तार हो, हैया अलस सलात हैया अलल फलाह के बाद दुआ करें। फर्ज नमाजों के बाद यानी जमात से नमाज पढ़े और सलाम फेरने के बाद दुआ करें। कुरान करीम की तिलावत से फारिग होने के बाद, खासकर खत्म कुरान के बाद, खा खुद खत्म किया हो या खा किसी दूसरे ने किया हो, खास तौर पर कुरान खत्म करने वाले की दुआ। जमजम का पानी की पानी पीने की हालत में यानी चाहे जमजम पर खड़े होकर पानी पिए और दुआ करें। मरने वाले की जानकारी के वक्त खुद मरने वाला भी दुआ करे और हाजरीन भी दुआ करे। इसी तरह मुरख की अजा के वक्त यानी मुरख की अजा सुनकर दुआ करें। मुसलमानों के दीनी इज्तिमाआत में इन मुसलमानों के साथ या तन्हा दुआ करें। जिक्र की मजलिसों में खास जिक्र अल्लाह का हल्का हो, खा दर्स कुरान और हदीस का, खा वाद व नसीहत का। नमाज की अकामत तस्बीर के वक्त, बारिश बरसने के वक्त इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अलाम में इस हदीस को मुरसला रिवायत किया है और फरमाया है कि मैंने बहुत से उल्मा हदीस से बारिश बरसने के वक्त दुआ कबूल होने की हदीस को सुना और हिफ्ज किया है। काबे मुकर्रमा को देखने के वक्त खा मक्का मुअज्जमा पहुंचकर पहली मरतबा देखिए या जिस वक्त भी खाना काबा पर नजर पड़े दुआ करें। प्यारे नाजरीन, आपने सुना जिन हालतों में दुआ कबूल होती है, अभी उसका बयान आप लोग सुने। आप भी उन हालात में दुआ फरमाइए, कहिए जिनमें दुआ कबूल होती है, आप भी उन हालात में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है ज़रूर कबूल हो जाएगी, आमीन सुआ। कल फिर मैं, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नई दुआ के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगी।
जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को खुश रखो, आबाद रखे। आमीन।